दुनिया की सबसे महंगी जमीन का रिकॉर्ड इतिहास ही बना हुआ है। एक छोटे से टुकड़े के लिए जो कीमत अदा की गई वो आज भी मिसाल बनी हुई है। आपको नहीं पता होगा कि दुनिया के इतिहास में सबसे महंगी बिकने वाली जमीन की कीमत क्या लगी थी। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कहीं अमेरिका, ब्रिटेन या इटली जैसे यूरोपीय देश में बिकी होगी तो आप गलत हैं। ये रिकॉर्ड अपने ही देश का है और इसके पीछे की कहानी यकीनन आपकी आंखों में आंसू ला देगी। दरअसल आपने सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के बारे में तो सुना होगा, उनके दो छोटे छोटे बच्चों बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह की हत्या सरहिंद के किले में वजीर खान नाम के क्रूर मुगल ने करा दी थी। गुरु गोविंद सिंह को मानने वाले उस वक्त के अमीर व्यवसायी दीवान टोडरमल ने जब वजीर खान से उतनी जमीन मांगी जहां दोनों साहिबजादों की हत्या की गई थी तो उसने एक अजीब शर्त रखी। अंतिम संस्कार के लिए दी जाने वाली 4 वर्ग मीटर की इस जमीन के लिए वजीर खान उतनी सोने की मोहरों की मांग की जितने में जमीन कवर हो जाए। इतना ही नहीं, इसके लिए उसने सोने की मोहरों का खड़ा खड़ा रखवाया ताकि ज्यादा से ज्यादा मोहरें वसूली जा सकें। साहिबजादों के अंतिम संस्कार के लिए सेठ टोडरमल ने उतनी जमीन के बराबर मोहरें रखी तो ये 78,000 मोहरें बैठी। इतने में उन्होंने जमीन का छोटा सा टुकड़ा खरीदा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोरा पर किसी यूजर ने यह सवाल पूछा कि दुनिया की सबसे महंगी जमीन कहां बिकी थी, तो लोगों ने अपने मुताबिक जवाब दिए। इंटरनेट पर ज्यादातर जगहों पर सबसे महंगी जमीन के तौर पर जिस टुकड़े का जिक्र किया है वो सन 1705 में बिकी थी। ये जमीन का वो टुकड़ा था जिसे सेठ टोडरमल ने सरहिंद क्षेत्र के मुगल गवर्नर वजीर खान से खरीदा था। आपको हैरानी होगी, सिर्फ 4 वर्ग मीटर के टुकड़े को उस वक्त 78,000 सोने की मोहरें अदा करके खरीदा गया था। इतिहास में इस जमीन का जिक्र सबसे महंगी जमीन के टुकड़े के तौर पर है। बताते हैं कि इसके लिए सेठ टोडरमल का पूरा खजाना खाली हो गया और उसकी संपत्ति भी बिक गई। उस वक्त 78,000 मोहरों का मोल निकालें तो ये वजन में 7.8 टन होंगी। एक अनुमान के मुताबिक उस वक्त के हिसाब से इसकी कीमत 2.5 अरब रुपये रही होगी। आज के हिसाब से तो इसकी कीमत का आप अंदाजा लगा ही सकते हैं।